केक लूट हो गया है, केक केक जिस केक को रितलाल यादव ने लालू यादव के जन्मदिन के शुभ अवसर पर काटा, देखिए किस प्रकार केक की लूट हो रही है। यहाँ पे जो है बच्चे सलाम एरिया के जो बच्चे हैं वो केक का केक लूट रहे हैं। जो उनका सिपाही है 90 के दशक से वो आज तक उनके साथ रहा है और आगे भी रहेंगे, उसी उम्मीद के साथ आदर्श मानते हुए पूरे बिहार पूरे हिंदुस्तान में उनका जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है। कि जब सबको का बर्थडे मनाया जाता है, सबको जन्मदिन मनाया जाता है, तो हमारे जो आदर्श हैं उनको क्यों नहीं मनाया जाए। इसीलिए जितने भी हमारे गरीब तत्व के लोग थे, दलित महादलित सभी लोग मिल करके सबको एक योजना बनाए कि हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए केक काटने का, उसी को लेकर के हम लोग सभी लोग चुनाव चकमुसहरी में एकत्रित हुए हैं। एसी के बेटा कभी नहीं थे न आज हैं, और उम्मीद करते हैं कि लालू प्रसाद यादव कभी एसी के बेटा होंगे। वो सब दिन जमीन के नेता थे, गरीब गुरबा के नेता थे, झोपड़ी के नेता थे, आज भी उन्हीं उनका सोच यही है। और उनका जो पुत्र हैं, उनका जो परिवार है, सबका सोच यही है कि हम लोग गरीब का नेता है, गरीब का बेटा है। और नमस्कार, मेरा नाम सोम कृष्ण है। देखिए आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है, विधायक रितलाल यादव यहाँ पे जन्मदिन मना रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार जो है बच्चों के साथ वहाँ पे वो क्या कुछ कह रहे हैं। लालू जी का जन्मोत्सव मना रहे, क्या करेंगे? ये देखिए केक लूट हो गया है, केक केक जिस केक को रितलाल यादव ने लालू यादव के जन्मदिन के शुभ अवसर पर काटा, देखिए किस प्रकार केक की लूट हो रही है। यहाँ पे जो है बच्चे सलाम एरिया के जो बच्चे हैं वो केक का केक लूट रहे हैं और खा रहे हैं और लोग। अरे आप बाहर निकलिए, हमारे गरीबों का मसीहा लालू यादव। अरे बाहर निकलिए, लालू प्रसाद यादव जी एक आदर्श व्यक्ति है जो गरीबों के मान सम्मान के लिए अपने आप में सब कर्तव्य कुर्बान दिया, साथ साथ उनका परिवार है। जो उनका सिपाही है 90 के दशक से वो आज तक उनके साथ रहा है और आगे भी रहेंगे, उसी उम्मीद के साथ आदर्श मानते हुए पूरे बिहार पूरे हिंदुस्तान में उनका जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है। कितने पाउंड का केक काटा है? 76 किलो, 391 किलो, 51 किलो। क्या कहना चाहेंगे सर? लोकसभा चुनाव का भी आने वाला है और दूसरे के भी 25 किलो कर रहे हैं। देखिए अभी अभी चुनाव की बात नहीं है, हमारे आदर्श जो है माननीय श्री लाल प्रसाद यादव जी का, हम लोग सबको उन्हीं के मार्फत उन्हीं को लेकर के खुशी मना रहे हैं। राजनीति की बात बाद में होगी। बहुत सारे लोग आज इस तरीके से बर्थडे मनाया जा रहा है लालू जी का, उसको लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं, क्या विशेष है आज? देखिए गरीब का मसीहा शुरू में रहे थे, सारे गरीब लोग का मान था कि जब सबको का बर्थडे मनाया जाता है, सबको जन्मदिन मनाया जाता है, तो हमारे जो आदर्श हैं उनको क्यों नहीं मनाया जाए। इसीलिए जितने भी हमारे गरीब तत्व के लोग थे, दलित महादलित सभी लोग मिल करके सबको एक योजना बनाए कि हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए केक काटने का, उसी को लेकर के हम लोग सभी लोग चुनाव चकमुसहरी में एकत्रित हुए हैं। जितने भी सारे लोग हैं सबको मिलकर खुशी मनाया जा रहा है। यादव के लिए भगवान से क्या प्रार्थना की रितलाल यादव ने? देखिए हम तो सुबह में सबसे पहले उनके लिए हवन भी किया है दानापुर आर समाज में, और यही मांग करते हैं कि ऊपर वाला इनको जितना ज्यादा बंद करवा दीजिए, गाना बंद करवाइए, कॉपीराइट आ जाएगा। अरे बंद करो, अपने बोल दीजिए थोड़ा देर, फायदा ही नहीं है बोलने का। क्या प्रार्थना क्या की रितलाल यादव? हम सबसे पहले सुबह में दानापुर आर समाज में उनके लिए हवन भी किए हैं और यही मांग किए हैं उनका जितना ज्यादा से ज्यादा अर्धवाय हो, ताकि उन लोगों को गरीबों के बीच में रह करके तो सेवा कर सके। और हम चाहते हैं उस माता को जिस माता ने लालू प्रसाद यादव जी से पुत्र को जन्म दिया, हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी
इनके जैसा पुत्र जन्म हो ले और एक दूसरे के बीच में गरीबों के मसीहा बनकर रहे। तमाम बड़े नेताओं का जन्मदिन जो है एसी में मनाया जाता है, क्या कारण है कि आप रोड पे उतरकर लालू जी का जन्मदिन? देखिए एसी के बेटा कभी नहीं थे ना आज हैं, अनुमित करते हैं कि लालू प्रसाद यादव कभी एसी के बेटा होंगे। तो सब दिन जमीन के नेता थे, गरीब गुरबा के नेता थे, झोपड़ी के नेता थे, आज भी उन्हीं उनका सोच यही है और उनका जो पुत्र है उनका जो परिवार है सबका सोच यही है कि हम लोग गरीब का नेता है, गरीब का बेटा है और हम लोग सबको मिलकर गरीब का सेवा करते रहे। हर समाज के बीच में आप आए हैं जन्मदिन लालू प्रसाद यादव का मनाने के लिए, हर साल इसी तरीके से मनाते हैं क्या? हम लोग देखिए मेरे लिए कोई जाति नहीं है, कोई प्रथा नहीं है, लेकिन जो बटा हुआ है लोगों के माध्यम सामंत विचारधारा के लोगों को उसको मिटाने के लिए हम लोग हमेशा हर जाति के लोग, हर समाज के लोग, हर तबके के लोग, दबे कुचले लोग एक साथ रहना चाहते हैं ताकि जो सामंत विचारधारा के लोग हैं उनके मुंह पर तमाचा बजे। एक आखिरी सवाल लेके, प्रीत लाल यादव जी जनता के बीच रहते हैं, आज इस तरीके से केक काट रहे थे तलवार हाथों में लेकर के, उस पे जानना चाहेंगे? देखिए तलवार नहीं था, कुछ चाकू था, जितना बड़ा केक था चाकू चाहिए, उतना बड़ा चाकू भी तो चाहिए ना, इसीलिए करके गर्दन नहीं, गर्दन काटने वाला कुछ थोड़ी था, वो तो आर्टिफिशियल था। सवाल, इन लोगों को पहले से बुलाया गया था या फिर आपको देखते ही आ गए? नहीं नहीं, सभी लोग पहले से अपने लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन मनाने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। जिंदाबाद।